देश दुनिया की हर बड़ी खबर हमें डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल देर शाम राष्ट्र के नाम संबोधन को एक खोखला भाषण बताया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन की बात करेंगे। जिस तरह की क्राइसिस की स्थिति है, जिस तरह से संकट की स्थिति है, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, इन चीज़ों को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ठोस आश्वासन देश की जनता को दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा भाषण इस बात पर निर्भर था कि क्या आने वाले वक्त में राज्य सरकार एक करे और भविष्य में सरकार क्या तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की आलोचना की है कि आप 15 महीने का जो वक्त मिला, जो पिछला लॉकडाउन था, जिसका कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि दुनिया का सबसे कड़ा लॉकडाउन था, क्यों सरकार ने इन बेसिक चीज़ों की तैयारी नहीं की। दुनिया भर में कांग्रेस पार्टी का कहना है, चाहे वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, चाहे ऑक्सीजन हो, इन सब में भारत दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे है। एंटीवायरस जो ड्रग्स हैं उनको बनाने में या लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में ऑक्सीजन का एक सरप्लस मैन्युफैक्चरर भारत है, फिर भी जो बेसिक दवाई है रेमडेसिविर उसकी 6.5 लाख डोजेस भारत सरकार ने हाल के दिनों तक एक्सपोर्ट किया। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार ने इतना वक्त जाया किया और कोई तैयारी नहीं की, और इसी वजह से आज ये हालात है कि लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। 3 लाख के करीब पिछले 24 घंटे में लोग संक्रमित हो चुके हैं, 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और मोदी सरकार अभी भी ये कह रही है कि सरकार तैयारियों में जुटी है, और सरकारी जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली या दिल्ली के बाहर जो अन्य राज्यों से खबर आ रही है, लोगों तक जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो अस्पताल की सुविधा है या ऑक्सीजन वेंटिलेटर या लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात है, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो सबसे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल घड़ी है वो उन लोगों के लिए है कि जो प्रवासी मजदूर हैं और जो दिल्ली में या देश के कई इलाकों में जो लॉकडाउन लगने की खबर है, आज महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लग सकता है, ऐसे में उन लोगों के खाते में सीधे 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएँ, ये कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है एक बार फिर से। और ये भी कहा है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो कालाबाजारी हो रही है और जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है, उसकी ईडी से या एनआईए से जांच करवाई जाए और उसमें ये पता चले कि आखिर जब शॉर्टेज है मार्केट में इन लाइफ सेविंग ड्रग्स का, तो वो बीजेपी के नेताओं के पास कैसे अवेलेबल है, कैसे उन लोगों के पास उपलब्ध है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल 18 मिनट के करीब मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया, और जब घोषणा हुई तो बहुत सारे लोगों के मन में आशा जगी, हमारे राज्य सरकारों के मन में आशा जगी, और जो पीड़ित हैं और खास तौर के ऊपर ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं, दवाइयों के लिए लड़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स के आगे लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, या जो टेस्टिंग कराने के लिए जो वेट कर रहे हैं, सभी के सभी लोगों को ये लगा कि कुछ शायद उनके लिए कुछ प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे। लेकिन वही ढाक के 3 पात खोखली बातें, कुछ भी नहीं उसके अंदर से निकला। ऐसा लगता है ये सारी की सारी घटनाक्रम को देख करके कुछ 4-5 चीजें शुरू में मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीन लीडर जो इंडिया था, वैक्सीन लीडर हैज बीन रिड्यूस्ड टू वैक्सीन बेगर। मोदी जी ने एक मजबूत देश को मजबूर देश बना दिया। रादर देन टेस्टिंग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, गवर्नमेंट इज टेस्टिंग द पीपल्स पेशेंट्स। कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट तो लोगों के पेशेंट्स के हो ही नहीं रहे, लेकिन लोगों की सब्र का इम्तिहान ये सरकार ले रही है। मोदी जी की सरकार के लिए लोगों की जान से कीमती मुनाफा है, और मुनाफा चाहे वो वैक्सीन की कंपनीज को देना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे और लोगों को देना चाहते हैं, उसकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देश के लोगों के लिए कोई रहम दिली नहीं, और अपने खास लोगों के लिए पूरी दरिया दिली है मोदी जी के मन में, ऐसा जान पड़ता है। मोदी जी वोट के लिए जनता से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं।
यह पूरे के पूरे इस घटनाक्रम का पूरा उनकी उनके अभिभाषण का और जो हालात अभी देश के चल रहे हैं उसका पूरा का पूरा यह हम लोग इसके बारे में ऐसा कहना चाहते हैं। और कल तो केवल खोखली बयानबाजी थी, राज्य सरकारें कुछ कर लें, कुछ निजी कंपनियां कर लें, कुछ बाल मित्र कर लें, कुछ एनजीओ कर लें और मोदी जी केवल भाषण करें, यही कल पूरी की पूरी इनके 18 मिनट के भाषण का केवल एक यही लबो लबाब निकलता है। पूरी तरीके से दिशाहीन भाषण था, बिना हमदर्दी किसी गरीब के लिए, किसी पीड़ित के लिए कहीं पर भी नजर नहीं आता है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट, वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374-9647, 84374-9648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल, मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा, मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाह प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी, प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक वार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा, मोबाइल 98 788 0 45 85 588 38 617।